जब भी एक कंट्री की नेबरिंग कंट्री में कोई भी इकोनॉमिक या पॉलिटिकल क्राइसिस आता है, तो ये बड़ी ऑब्वियस सी चीज है कि लोग अपनी जान बचा के या इकोनॉमिक डिप्रेविटी के वजह से कहीं ना कहीं उस देश में जाते हैं जहां पे ज्यादा उनको सेफ्टी मिलती है या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलती है. एंड फॉर द कंट्री ऑफ बांग्लादेश, दैट कंट्री विच इज सिक्योर इज आर्स. बट एज अ कंट्री, क्या हमें हमेशा ये माइग्रेंट्स को अलाउ करना चाहिए टू एंटर इनटू आवर लैंड? ये सोचने वाली बात है. बिकॉज ऑन वन हैंड, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे अगर हम देखें तो डेफिनेटली वी शुड अलाउ देम. बट केवल एक ही दिशा से, एक ही डायरेक्शन में एक चीज के बारे में सोचा नहीं जाता. वी हैव टू ऑल्सो सी दैट आज इज अ कंट्री विच इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन. हमारे देश में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हमारे अपने लोगों के लिए नहीं है, तो जब हम दूसरों को अलाउ करेंगे टू एंटर इन लार्ज नंबर्स, तो क्या हम उनको एक्चुअली वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे भी पा रहे हैं कि नहीं? सो कीपिंग इन माइंड द रीसेंट अकरेंस जो बांग्लादेश में हुई, जहां पे 45 मिनट्स का समय दिया गया था उनकी एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को टू रिजाइन फ्रॉम अ पोस्ट एंड गो अवे, जिसके बाद फिर वो आई हमारे देश में. साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो और मैग्निफाई हो ही जा रहा है. और कहीं ना कहीं जब प्रोटेस्ट ज्यादा होता है, जब मारकाट ज्यादा होती है, तो लोग अपनी जान बचाने के लिए कुछ ऐसी पीसफुल कंट्रीज के अंदर जाने की कोशिश करते हैं. हमारी बीएसएफ ने, हमारी सरकार ने एक बहुत स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया है, जहां पे ओडिशा की कोस्ट लाइन के आगे पीछे जहां से भी ये इनलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनको रोकने की बात की गई है. ये इस वजह से नहीं दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डजंट वॉन्ट टू हेल्प अदर पीपल, ये इस वजह से कि कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट को केवल एक ही डायरेक्शन में ना सोचते हुए, अपने पूरे के पूरे देश के हर एक एस्पेक्ट को नजर में रखते हुए एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी बनानी पड़ती है. सो बिफोर वी गेट इन टू वॉट हैज हैपेंड राइट नाउ वेरी वेरी रिसेंटली, लेट मी मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट. मलूका आईएएस हैज इंट्रोड्यूस द शक्ति बैच. दिस इज फॉर ऑल द यूपीएससी एस्पिरेंट्स. इस बैच में आपको जीएस फाउंडेशन, जीएस एडवांस की क्लासेस मिलेंगी, रोज 1 घंटे की एनसीईआरटी की क्लास, 2.5 घंटे की जीएस की क्लास, और दिस विल बी डन बाय आवर टॉप मेंटर्स इन बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, एंड दैट टू एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट. सो डू नॉट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी एंड ज्वाइन मलूका आईएएस टुडे. हमारा बैच 12 अगस्त 2024 को शुरू हो जाएगा. सो रजिस्टर विद अस बिफोर दैट. So the news is that the border security force is stopping Bangladeshi group who are attempting to cross the border and enter into India. So ये particular चीज Odisha की सरकार ने की है, जहां पे ये आप देख सकते हैं कि BSF वाले completely तैनात हैं और रोक रहे हैं ये illegal migrants. So around group of 120 to 140 Bangladeshi citizens जो अटेम्प्ट कर रहे थे टू गेट इन साइड इंडिया, दे हैव बिन आस्ड नॉट टू डू इट, दे हैव नॉट बिन अलाउड टू डू इट. एंड कहीं ना कहीं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हाई अलर्ट पे है एवर सिंस द डिसमिसल ऑफ द शेख हसीना गवर्नमेंट इन बांग्लादेश. नाउ व्हाट इज द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश? वेल, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. कहीं ना कहीं ज्यादा लोग आएंगे, उनको भी नौकरी करनी होगी, उनके बच्चों को स्कूल में भी जाना होगा, उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी. एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी जब वो अपना देश छोड़ के, अपना घर छोड़ के आ रहे हैं, तो वी फील दैट दे आर नॉट कैरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विद देम, तो उनको घर भी देना पड़ेगा, उनको ये सारी की सारी चीजें सब्सिडाइज रेट पे देनी पड़ेगी, जिस वजह से लेबर मार्केट पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा. जितने लोग सीकर्स हैं जॉब के, उतनी जॉब्स नहीं होगी. वैसे भी ये इशू कहीं ना कहीं पॉपुलस कंट्रीज में हमेशा होता है. एंड सो कीपिंग दैट इन माइंड, द गवर्नमेंट शुड फर्स्ट कीप इन माइंड द लेबर फोर्स ऑफ इंडिया रादर देन अलाउइंग अदर पीपल टू कम इनटू आवर कंट्री एंड आस्क फॉर डिमांड फॉर जॉब्स. द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन. लाइक आई सेड, खाना पीना, बिजली पानी, एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी. बिकॉज यू कांट जस्ट पॉसिबली से कि आ जाओ हमारे देश में पर हम देंगे कुछ नहीं तुम लोगों को. उनको घर भी मिलना पड़ेगा, उनको सारी सहूलतें देनी पड़ेंगी. डेमोग्राफिक भी चेंजेस बहुत सारे होंगे. डेमोग्राफिक चेंजेस का मतलब ये है कि जैसे कि हमने मणिपुर की बात की है, जहां पे कुकी ट्राइब्स बहुत सारी आई थी,
तो डेमोग्राफी इस तरीके की हो गई, जो माइटीज हैं दे आर मोर इन यू नो नंबर्स, बट कहीं ना कहीं दे आर नॉट गेटिंग दोज काइंड ऑफ बेनिफिट्स। सो क्विंटेसेंशियल जो पॉपुलेशन की डेमोग्राफी है वो बदल सकती है, साथ ही साथ कल्चर और सोशल डायनामिक्स, क्योंकि एक एरिया का कल्चरल होमोजेनिटी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, लेकिन अगर किसी और देश से और लोग आ जाए तो वो अपने कल्चर के साथ आएंगे, तो वो डाइवर्सिटी और ज्यादा होगी और चेंज इन डायनामिक काफी ज्यादा आ जाएगा। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में स्ट्रेन ऑन रिसोर्सेज, बिकॉज लाइक आई सेड एट द एंड ऑफ द डे ये सरकार को वेलफेयर स्कीम्स बना के इनको भी बेनिफिशरीज में डालना पड़ेगा। अब कितनी बेनिफिशरीज हो जाएंगी जिसकी वजह से हर एक को बहुत कम बेनिफिट मिलेगा ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कीम, और सरकार को भी लोन पे लोन लेना पड़ेगा टू इंश्योर दैट दे टेक केयर ऑफ दीज पीपल। अगर हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में बात करें तो इट माइट पुट अ स्ट्रेन ऑन आवर डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद बांग्लादेश। होपफुली बांग्लादेश एंड इंडिया का रिलेशनशिप हमेशा अच्छा रहे। अब मोहम्मद यूनुस वहां पे ओथ टेकिंग सेरेमनी के बाद उनके प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो वी विल सी हाउ द डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिकम बेटर, बट एज ऑफ नाउ इट्स अ लिटिल इफी, देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ओवर देयर। इसके अलावा लोकल टेंशंस हो सकती हैं। सो फॉर एग्जांपल आप एक जगह के नेटिव हैं, आप लोकल पॉपुलेशन है, आप लोगों को नौकरी मिल रही है, पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, आपके बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिल रही है, आपको घर मिल रहा है, ये सब मिल रहा है। नाउ ऑल ऑफ अ सडन इमेजिन उसी छोटे से घर में और ज्यादा लोग आ जाए, तो जो उस घर में पहले से रहते थे उनको हमेशा प्रॉब्लम होगी ही होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में भर भर के जब रिलेटिव्स आ जाए तो फिर बहुत ज्यादा इरिटेशन इस तरीके से भी होने लग जाती है कि हमारे रिसोर्सेस कम है लेकिन माउथ टू फीड बहुत ज्यादा है। सो इट कैन लीड टू लोकल टेंशंस। पॉलिसीज भी चेंज करनी पड़ेंगी क्योंकि टेंशन वाली जगह पे तो वायलेंस एंड बहुत ज्यादा अपहीवल हो सकता है। सो दोज काइंड ऑफ पॉलिसीज विल हैव टू बी मेड फॉर दैट काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। एंड यस यू गेस्ट इट राइट, पॉलिसी सच एज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो हमें बनाई हमने 2019 में लेकिन इम्प्लीमेंट 2024 में की, कहीं ना कहीं वहां पे भी यही चीज हुई थी। सो लेट्स टॉक अबाउट द 1960s एंड द 1970s। सो हुआ ऐसा कि एक था ईस्ट पाकिस्तान, एक था वेस्ट पाकिस्तान। जो ईस्ट पाकिस्तान था वो वेस्ट पाकिस्तान से काफी दुखी था, बहुत रीजंस थे और कहीं ना कहीं उनके साथ शोषण भी हो रहा था, तो लोग वहां से अपनी जान बचा के कहीं ना कहीं हमारे देश में एंट्री मार रहे थे। अच्छा, इनिशियली अलाउड भी था बट बहुत सारे लोग बजरंगी भाईजान स्टाइल इलीगली भी आ गए थे। अच्छा, काफी देर तक वो हमारे देश में रहे भी, हमारे देश के रिसोर्सेज भी यूटिलाइज किए, कहीं ना कहीं फेक डॉक्यूमेंटेशन भी हुई होंगी, दैट ऑल्सो लीड्स टू द क्वेश्चन ऑफ अ लॉट ऑफ इलीगल और इररेगुलरिटीज वर ऑलरेडी हैपनिंग एट दैट टाइम। बट यू सी रिलीजियस पर्सिक्यूशन या किसी भी चीज का धार्मिक अत्याचार हो या कोई और अत्याचार हो, अगर कोई इंसान हमारे देश में आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसी हमेशा यही रही है कि आ जाओ, वी विल टेक केयर ऑफ यू। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव टेकन अ स्टांस अगेंस्ट इट एंड वी हैव सेड लिसन, वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर ओन, वी डू सिंपथाइज विद योर इश्यूज, लेकिन वी विल नॉट बी एबल टू टेक केयर ऑफ स्कोर्स ऑफ पीपल फ्रॉम बांग्लादेश। So, कहीं ना कहीं ईस्ट पाकिस्तान, लाइक आई सेड, टिल 1971, इनफैक्ट इवन आफ्टर 1971, उनकी कोई रिलीजियस माइनॉरिटीज थी जो कि रिलीजियस पर्सिक्यूशन फेस कर रही थी, तो जिस वजह से हमारा लॉ ये कह रहा था कि जितने भी लोग इलीगली आए हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट, जो हमारे देश में एंटर किए हैं इलीगली ऑन और बिफोर 31st of December 2014, उन सबको हम लोगों ने सिटीजनशिप दी है एंड द एक्ट हैज बीन इंप्लीमेंटेड इन दिस पर्टिकुलर ईयर, बट इट स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम हियर, राइट। नाउ फैक्टर्स दैट ड्राइव माइग्रेशन, क्यों मैं अपना खुद के देश को छोड़ के किसी और के देश में जाऊंगी, शायद मेरे देश में मेरे को जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है, खाने के लिए पैसा नहीं है, द अदर डील, सो दिस इज इकोनॉमिक हार्डशिप, पोलिटिकल रिप्रेशन भी हो सकता है कि ये जो सरकार है ये मेरे को रिप्रेस कर रही है। जैसे कि ईस्ट पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इमोशन ये भी होता था कि पाकिस्तान ने अपनी नेशनल लैंग्वेज उर्दू बना दी थी और वहां पे ज्यादा बंगाली स्पीकिंग लोग थे, तो ये एक इशू है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे थे।
कभी कभार जब पॉलिसीज ऐसी बन जाती हैं जहां पे माइनॉरिटीज को लगता है कि यार हमारे साथ शोषण हो रहा है, तो भी कहीं ना कहीं ये माइग्रेंट दिखते हैं, माइग्रेट करते हैं। इंडिया का रिस्पॉन्स एट दैट टाइम वॉज कि आपने असाइलम सीक किया, कोई बात नहीं, हम आपको रेफ्यूज देंगे, पनाह देंगे। सो बहुत सारे रेफ्यूजी कैंप्स एंड रिलीफ वर्क हमने किया, दैट मीन्स अ लॉट ऑफ खर्चा, दैट ऑल्सो मीन्स अ लॉट ऑफ इलीगल एक्टिविटीज हैपनिंग इन द रेफ्यूजी कैंप, जो कि यूजली होती ही है। डिप्लोमैटिक एंड ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट हम लोगों ने किया था, जहां पे हमने ट्राई किया था कि किस हद तक हो सके वी हेल्प द पीपल ऑफ बांग्लादेश, बिकॉज दैट इज वॉट आर डिप्लोमैटिक पॉलिसी हैज ऑलवेज बिन। नाउ हाउ माइग्रेंट्स बिकम इम्पोर्टेंट फॉर वोट बैंक पॉलिटिक्स। अब भर भर के जब लोग बहुत सारे अगर मेरे एरिया में आ गए और मैं अगर इलेक्शन के लिए खड़ी हो रही हूँ, तो मैं चाहूंगी कि वो लोग मेरे को पसंद करें, तो मैं उनकी डिमांड्स को भी मीट करूंगी, और जिस वजह से जो एक्चुअल लोकलाइट्स हैं उस एरिया के, वो गुस्से हो जाएंगे, क्योंकि वो बोलेंगे भाई हम तो कब से रह रहे हैं यहाँ पे, हमारी बात तो आपने सुनी नहीं, ये लोग आए वो भी इलीगली और आप बट से उनकी बात मान रहे हैं। सो कहीं ना कहीं इट हैज बीन यूज्ड एज अ वोट बैंक, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इफ यू जस्ट टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, टू विन आई रिक्वायर मेजोरिटी वोट्स, टू गेट मेजोरिटी वोट्स आई वॉन्ट मेजोरिटी पीपल टू लाइक मी, and for majority people to like me I will do whatever they say, right? So political mobilization, political representation bhi milti hai un logon ko, right? Vote bank politics jaise ki humne bola, aur electoral manipulation concerns, kyunki kahin na kahin you know dharm ke naam pe, caste ke naam pe, bahut sari cheezon ke naam pe bahut sari policies aa jati hain, kabhi kabhar ye hamari puri electoral autonomy ko bhi impact करता है। सो हाउ माइग्रेंट्स बिकम इंपॉर्टेंट ऑल्सो बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन, बिकॉज ऑफन दे कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द लोकल इकोनॉमी, बिकॉज दे हैव टू स्टे देयर, दे हैव टू वर्क, दे हैव टू अर्न सम मनी, सो दे आर ऑल्सो मेकिंग सम काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो मेरी लोकल इकोनॉमी को आगे बढ़ाता है, जिसके लिए मैं उनको फैसिलिटेट भी करूंगी एज द गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। सोशल इंटीग्रेशन इज ऑल्सो अनदर थिंग, कि जो पहले से रहते थे उस जगह पे और जो अभी आए हैं वो एक दूसरे के साथ ना लड़ना शुरू हो जाए। सो लाइक इंटीग्रेशन ऑफ बोथ दोस कम्युनिटीज इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, राइट? एंड कीपिंग इन माइंड, जैसे कि हमने बात की कि पहले भी ये सब आए थे, हमने अलाउ किया था, इनफैक्ट इलीगल माइग्रेंट्स को हमने सिटीजनशिप दी थी, कीपिंग दिस इन माइंड कि वो अपनी जान बचा के यहाँ पे आ रहे हैं, डिपोर्ट तो हम उनको करेंगे नहीं, राइट? हम ये तो बोल नहीं सकते भाई आप जान बचा के आ रहे हो, अभी वापस जाओ और हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है आपके साथ। दे आर स्टेइंग हियर, दे आर ईटिंग आवर फूड, दे आर डूइंग आवर जॉब्स, सो माइट एज वेल द कंट्री आल्सो गेट समथिंग आउट ऑफ इट। सो इसीलिए उनको सिटीजनशिप दी गई थी। सो CAA, लाइक आई सेड, मुस्लिम को छोड़ के हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए थे ऑन और बिफोर 31st December 2014 have been given citizenship under naturalization, right? So link to Bangladeshi migrants yahi hai ki tino countries mein se ek country to Bangladesh ki hi thi aur humne allow kiya tha unko aane ke liye, so jis wajah se it was our duty to give them that kind of citizenship, right? So political reaction is tarike se tha ki kuch ek community kehti ki aapne muslims ko kyun nahi allow kiya. So for that, as per my humble understanding, what happens is, and what happened in the court is what I'm recreating. कहा जाता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मेजोरिटी रिलीजन कौन सा है? मुस्लिम। तो रिलीजियस पर्सिक्यूशन किसके साथ हुआ? माइनॉरिटी रिलीजन के साथ। तो हम सिटीजनशिप किसको देंगे? माइनॉरिटी रिलीजन को, क्योंकि मेजोरिटी के साथ तो रिलीजियस पर्सिक्यूशन हुआ ही नहीं, राइट? द सेकेंड थिंग वॉज ऑल्सो इम्पैक्ट ऑन बांग्लादेशीज की कहीं ना कहीं दे रियलाइज दैट अच्छा दिस इज वन कंट्री वी कैन गो टू एंड दे विल हेल्प अस आउट, राइट? सो दिस इज इट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, बट दिस स्टेप हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, राइट? दे डोंट वॉन्ट टू से कि अरे यार हमने किसी की मदद नहीं करनी, पर पहले खुद की मदद करनी है, फिर जाके हम सोच सकते किसी और की मदद करने के लिए। सो द मेन्स प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, kindly read it, understand it, and write the answer, get it corrected by your mentors. The question is, the fall of the Bangladeshi government could potentially lead to increased migration from Bangladesh to neighboring countries. Analyze the possible socio-economic
पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इम्प्लिकेशंस ऑफ सच अ माइग्रेशन ट्रेंड फॉर इंडिया. नाउ बिफोर आई एंड दिस टॉपिक आई लाइक टू मेक टू वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स. जितने भी बच्चे यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए बैठने वाले हैं and they are looking for a test series which is absolutely aligned with the UPSC paper pattern, look nowhere else and come and join the Maluka IAS test series today. यहाँ पे आपको मिलेंगे 64 tests, 34 prelims और 30 mains. साथ ही साथ उन tests की discussion भी होगी by our top mentors in both English as well as Hindi. And that too at extremely affordable cost. So this is a golden opportunity. Please register for it today. एंड फाइनली कीपिंग इन माइंड कि एजुकेशन को हमने और अफोर्डेबल बनाना है, मंथली कॉम्पाइलेशन बाय मलूका आईएएस हैज बीन ब्रॉट द कॉस्ट हैज बीन ब्रॉट डाउन कंसिडरेबली और ये भी आपको बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में मिलेंगे. सो डू नॉट वेस्ट दिस चांस एंड हेल्प अस टू रियलाइज योर पोटेंशियल टूडे. थैंक यू.